बस बस। क्या सीन्स हैं यार, मुझे भी दिखाओ कैसा लग रहा है ऊपर से। गंदी वाटरफॉल कहते हैं जी, आप देख रहे हैं कि इसका पानी काफी ज्यादा गंदला हो चुका है, काफी ज्यादा मैला हो चुका है। पाकिस्तानी टूरिस्ट जहाँ भी जाते हैं अपनी निशानियाँ छोड़कर चले जाते हैं जी। तो एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक आबशार के किनारे। तो यहाँ तक का जो सीन था, यहाँ तक के जो नज़ारे थे, मुझे तो देख कर यार ऐसे लग रहा था जैसे हम नारान जा रहे हों। कम वेश 19-20 के फ़र्क से वही सीन है, वही नज़ारे हैं, वही सारे का सारा लैंडस्केप है और वही वक्फे वक्फे से छोटी छोटी आबशारें हैं। लेकिन इस वक्त तो हम जिस आबशार के करीब पहुंच चुके हैं, अगर आप इसको वादिये नीलम की चंद एक मशहूर आबशारों में शुमार करें तो गलत ना होगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब मान धनी वाटरफॉल। तो धनी वाटरफॉल बेसिकली मुजफ़्फ़राबाद से काफ़ी आगे 8 मकाम के थोड़ा पहले ये वाटरफॉल आती है। और इस वाटरफॉल की दिलचस्प बात यह है कि लकीली इस सीज़न में इसका पानी बहुत कम है इन दिनों में, लेकिन आज लकीली हमें बहुत ज़्यादा जो है ख़ूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी लक है कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आम तौर पर यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा नहीं होता। और लोग यहाँ पर स्विमिंग भी कर रहे हैं ठंडे थार आबशार के पानी में। ये दिलचस्प है वैसे कि लोग आते हैं यहाँ पर स्विमिंग भी करते हैं, तो मुझे भी मेरा भी दिल ललचाने लग गया है। आपस की बात है, मेरा भी दिल करने लग गया है कि यार मैं भी यहाँ पर यू नो जिस तरह बंदे को देख कर ना कुछ अच्छा गाते हुए क्रेविंग्स होती हैं, इसी तरह धनी वाटरफॉल को देखते हुए भी मुझे तो क्रेविंग्स होने लग गई हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सिटिंग एरिया भी है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। नीचे भी सिटिंग एरिया बना हुआ है और यहाँ नीचे हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके आप ऊपर आ सकते हैं। इन सिटिंग एरियाज में आप बैठ भी सकते हैं। पहल कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, जिनमें एक ये धनी वाटरफॉल भी है, लेकिन आजकल इसको गंदी वाटरफॉल कहा जाता है। वो इसलिए कि मैंने अभी एक लोकल से पूछा है कि यार आप ना इसको धनी वाटरफॉल क्यों बोलते हैं, तो कहने लगा है कि यार इसका नाम धनी वाटरफॉल तो बहुत पुराना है, आजकल हम इसको गंदी वाटरफॉल कहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका पानी काफ़ी ज़्यादा गंदला हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मैला हो चुका है और लोग इस वजह से इसको अब गंदी वाटरफॉल के नाम से पुकारते हैं। वैसे यार ये देखें, ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, मेरा भी दिल करने लग गया है कि इस कुदरती शावर के नीचे बंदा ठहर के थोड़ा सा इंजॉय कर ले, नहा ले, लेकिन फिर उसके बाद बंदा यहीं रहे, आगे जाने के काबिल नहीं रहेगा। यार ये वैसे इसको ऐसे ही नहीं गंदी वाटरफॉल कहते हैं, मतलब पाकिस्तानी टूरिस्ट जहाँ भी जाते हैं अपनी निशानियाँ छोड़कर चले जाते हैं। ये हालत है, यहाँ भी गार्बेज है और ये सारा, मतलब आप भले खाए पिए लेकिन एटलीस्ट अपना ये वाला सामान तो साथ में लेकर जाएं। इस तरह शॉपर्स में भर कर लाते हैं, इसी तरह अगर शॉपर्स में भर कर वापस लेकर जाएंगे तो क्या मज़ा होगा। मतलब पैंपर्स तक पड़े हैं, पैंपर्स तक पड़े हैं, हद है। और जनाब ये थी धानी वाटरफॉल से मुख्तसर सी गाइड। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को भी। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। एहसान बलोच धानी वाटरफॉल से इजाज़त मांगता है।